Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना है। अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नरगिस ज़ुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की लहर मजीद 161 जिंदगियां ले डूबी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,377 नए मरीजों का इजाफा हो गया। OIC दीन इस्लाम के हकीकी तशख्स को उजागर करे। वज़ीर आज़म कहते हैं इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तमाई काविशों की ज़रूरत है। मुसलमानों की जान बूझ कर दिल आज़ारी की जा रही है। नैब अफसरान को इदारा चलाना ही नहीं आता। नैब में मौजूद अफसरान फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं नैब ने 2 माह के काम के लिए 3 साल लगा दिए। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं, बस इलेक्शन में धांधली छोड़ दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत के सर्कस खिलाड़ियों का नहीं। कराची से योम अली का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया पर अख्ताम पजीर हुआ। योम अली के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर दुकानें सील की गईं। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कोरोना वायरस से 161 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,310 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तजवीशुदा केसेस की तादाद 8,37,523 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,377 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,08,529, सिंध में 2,86,521, खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,590, बलूचिस्तान में 22,664, गिलगित बल्तिस्तान में 5,330, इस्लामाबाद में 76,492 जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,397 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,19,65,682 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,587 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,33,062 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि 5,326 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 161 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 18,310 हो गई। पंजाब में 8,683, सिंध में 4,678, खैबर पख्तूनख्वा में 3,423, इस्लामाबाद में 693, बलूचिस्तान में 239, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आज़ाद कश्मीर में 487 मरीज जान से हाथों बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता। शिदत पसंदी को इस्लाम से जोड़ने से आलमी सतह पर मुसलमान मुतासिर होते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामी तआवुन तंजीम के रुकन मुल्कों के सफीरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मुसलमान हमला करता है तो कसूरवार तमाम मुसलमानों को ठहराया जाता है। पाकिस्तान दुनिया में बर्दाश्त के फरोग के लिए आलमी बरदरी से तआवुन के लिए पुरअज़म और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ है और मगरबी ममालिक में मजहब को मजहब की तरह नहीं समझा जाता। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन रिसालत से 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफरत को हवा मिलती है। मेरी कोशिश है कि मुस्लिम ममालिक इस हसास मामले पर मुत्तहिद हों। OIC इस हवाले से आलमी सतह पर आगाही पैदा करने में किरदार अदा करे। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts
and hence and we love and respect and revere him, and any under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. And so the Western people and the Western governments need to have a dialogue and explain this to them, because they don't understand. I know Western societies. मुलाकात के दौरान OIC से ममालिक के सफीरों ने वजीर आज़म इमरान खान को मामला उठाने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब में मौजूद अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नैब खामोश हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फाजल बेंच ने नैब अफसरान की जानिब से मुलजमान से रिश्वत लेने पर दोबारा इंक्वायरी के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब में मौजूद अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नैब खामोश हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन नैब तो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रहे हैं, वो बगैर इंक्वायरी किसी मुलाजिम को कैसे फारिग कर सकते हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब इमरान अल हक ने मौकफ इख्तियार किया कि असिस्टेंट डायरेक्टर फाखर शेख और तरवेश के खिलाफ इंक्वायरी की गई। सिंध हाई कोर्ट ने 3 माह में दोबारा इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस नैब के रवैये पर बरहम हो गए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नैब ऐसे लोगों को तनख्वाह और गलत काम करने का मौका भी देता है। नैब में मौजूद ऐसे अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नैब खामोश हैं। नैब अफसरान को इदारा चलाना ही नहीं आता, नैब का इदारा क्या कर रहा है, तमाशा बनाया हुआ है। नैब ने 2 माह के काम के लिए 3 साल लगा दिए। 2018 से मामला चल रहा है, अभी तक नैब से इंक्वायरी ही मुकम्मल ना हो सकी। इस केस में 3 साल गुजारने के बावजूद अभी तक नैब ने कुछ नहीं किया। जानबूझकर नैब के लोगों ने घपला किया ताकि केस खराब हो जाए। अदालती ऑब्जर्वेशन के बाद नैब ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान जिस काम की निगरानी का कहते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। मुल्क में एहतसाब तो आवाम का हो रहा है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि रमज़ान में कीमतों के मामलों की निगरानी खुद करूँगा और अप्रैल में सबसे ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आज़म ने बाजारों का दौरा किया, वहाँ अशिया पड़ी थी लेकिन खरीदार कोई नहीं था। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में ज़राए बलाग़ियामा के नुमाइंदों से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म जिस काम की निगरानी का कहते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। कि वो वज़ीर आज़म जिसने कहा था कि मैं रमज़ान शरीफ में कीमतों की निगरानी खुद करूँगा, तो पिछले 20 महीने में सबसे ज़्यादा कीमतों में इजाफा अप्रैल के महीने में हुआ है 11.1%। मुल्क में एहतसाब तो आवाम का हो रहा है, 3 साल में बिजली की कीमत में 200% इजाफा हुआ है। 73 साल तारीख में 3 साल में आटे की कीमत दुगनी कभी नहीं हुई। वजीर आज़म कमीशन ही बना दे, आटे की कीमत कैसे दुगनी हो गई। चीनी माफिया ने चीनी बरामद की जिससे बहरान पैदा हुआ, आपने चीनी की कीमत कम करने के लिए क्या कार्रवाई की। जहांगीर तरीन पर जो केस बनाए गए उसमें चीनी का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि 3 साल के अंदर आटे की कीमत दुगनी हो गई। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को कमीशन ही बना दे जो ये पता करे कि आटे की कीमत दुगनी कैसे हुई है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि PDM एक बयानिया है। शहबाज शरीफ ने ना तो PDM बनाई और ना ही उन्होंने तोड़ा है। कराची में पुलिस फरीक बन चुकी है, इसलिए मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि इंतखाबी अमल की निगरानी फौज करे, उन्हें फौज की जगह रेंजर्स का नाम लेना चाहिए था। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और वैक्सीन महदूद है, करोड़ों की आबादी के लिए चंद लाख वैक्सीन की बात हुई, हुकूमत 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे, NCOC इजलास से कुछ नहीं होता, क्या NCOC आवाम को मास्क पहना सका। कराची में योम अली की मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में मुनक्किद हुई जिससे अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया और फजाइल हजरत अली बयान किए, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के मौके पर कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जिसके बाद जुलूस
روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ کراچی میں یوم علی کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا اور فضائل حضرت علی بیان کیے۔ مجلس کے بعد یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے بوتراب اسکاؤٹس کی قیادت میں برآمد ہوا، جبکہ روایتی راستوں نمائش چورنگی، سی بریز پلازا، صدر، ریگل چوک، تبت سینٹر، ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ یوم علی کے سلسلے میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہی۔ جلوس کے راستوں میں آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا۔ جلوس کی گزرگاہ میں آنے والی دکانیں اور مارکیٹوں کو بھی سیل کیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے ماہر نشانے باز بھی اونچی عمارتوں پر تعینات رہے۔ جلوس میں آنے والے افراد کو تلاشی کے بعد شرکت کی اجازت دی گئی۔ جلوس میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے جلوس انتظامیہ کی جانب سے بار بار اعلان کیا جاتا رہا، بغیر ماسک پہنے افراد کو جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔ سبسکرائب ٹیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا نوٹیفیکیشن بٹن۔